नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। सन 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक अद्भुत सर्वेक्षण करवाया गया। उसमें पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले थे। जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि वो अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए कोई भी असिस्टेंट नहीं हुआ करता था। जहाज की उड़ान भरते ही वो चुपचाप अपना काम शुरू कर देते थे और उनकी ये आदत थी कि वो बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफ़ी मांगा करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पसंद की कॉफ़ी ना मिलने पर फ्लाइट अटेंडेंट को डांट नहीं लगाई और रतन टाटा की सादगी के उनके किस्से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। गिरीश कुबेर टाटा समूह पर चर्चित किताब द टाउज हाउ ऑफ फैमिली बिल्ड ऑफ बिजनेस एंड नेशन में ये लिखते हैं कि जब वो टाटा संघ के प्रमुख बने तो वो GRD के कमरे में नहीं बैठे और उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा सा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते थे तो उस दौरान कोई भी वरिष्ठ अधिकारी आ जाए तो वो उसे इंतज़ार करने के लिए कहा करते थे और उनके पास दो जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी होते थे, टीटू और टैगू, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार किया करते थे। कुत्तों से उनका प्यार इस हद तक था कि जब भी वो उनके दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते थे तो सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक जाते थे। इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में टहलते देखा जाता था, जबकि मनुष्यों को वहां पर प्रवेश की अनुमति तभी दी जाती है जब वो स्टाफ के सदस्य हों या उनके पास मिलने की पूर्व रूप से अनुमति हो। कुत्ते की बीमारी जब रतन टाटा के पूर्व सहायक आर वेंकटेश्वर को उनके बॉस ने उनकी निकटता के बारे में पूछा गया तो उनका ये जवाब था कि मिस्टर टाटा को बहुत कम लोग करीब से जानते हैं। हाँ, वो दो लोग हैं जो उनके बहुत करीब हैं, टीटू और टैगू। उनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते हैं, उनके अलावा कोई उनका आसपास नहीं रह सकता। मशहूर व्यवसायी और लेखक सोहेल सेठ भी एक किस्सा सुनाते हैं। दरअसल 6 फरवरी 2018 को ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स को बकिंघम पैलेस में रतन टाटा को परोपकारिता के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना था, लेकिन समारोह से कुछ घंटे पहले रतन टाटा ने आयोजकों को सूचित किया कि वो वहां पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनका कुत्ता टीटू अचानक बीमार हो गया। जब चार्ल्स को ये कहानी बताई गई तो उन्होंने कहा कि ये असली मर्द की पहचान है और एकाकी और दिखावे से कहीं दूर रतन टाटा नजर आते हैं। GRD की तरह रतन टाटा को भी उनके वक्त की पाबंदी के लिए जाना जाता है। वो ठीक 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देते थे। वो अक्सर चिढ़ जाते थे अगर कोई दफ्तर से संबंधित काम के लिए उनसे घर पर संपर्क करने के लिए आता था। वो घर के एकांत में फाइलें और दूसरे कागज से पढ़ा करते थे। अगर वो मुंबई में होते थे तो वो अपना सप्ताहांत अलीबाग के अपने फार्म हाउस में बिताते थे। उस दौरान उनके साथ कोई भी नहीं होता था सिवाय उनकी और उनके कुत्तों के। उनको ना घूमने का शौक था और ना ही भाषण देने का और ना ही दिखावे का शौक था। बचपन में जब परिवार की रोल्स रॉयस कार उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी तो वो सहज हो जाया करते थे। और रतन टाटा को नज़दीक से जानने वालों का ये भी कहना है कि जिद्दी स्वभाव रतन की खानदानी विशेषता है और जो उन्हें GRD और अपने पिता नवल टाटा से मिली थी। सोहेल सेठ ये भी बताते हैं कि अगर आप उनके सिर पर बंदूक भी रख देते तब भी वो यही कहेंगे कि मुझे गोली मार दो लेकिन मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। अपने पुराने दोस्तों के बारे में बॉम्बे डाइंग के प्रमुख नुस्ली वाडिया ने यह बताया है कि रतन एक बहुत ही जटिल चरित्र हैं और मुझे ये नहीं लगता कि कभी किसी ने उन्हें पूर्ण रूप से जाना। वो बहुत गहराइयों वाले शख्स हैं। निकटता होने के बावजूद भी मेरे और रतन के बीच कभी भी व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल एकाकी व्यक्ति हैं। कोमी कपूर अपनी किताब एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ पॉर्सिस के अंदर लिखते हैं कि रतन मुझसे खुद स्वीकार किया था कि वो अपनी निजता को बहुत महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि शायद मैं बहुत मिलनसार नहीं लेकिन असामाजिक भी नहीं हूँ। और रतन की दादी नवाज़बाई टाटा ने उन्हें पाला। टाटा की जवानी के उनके एक दोस्त याद करते हैं कि टाटा समूह के अपने शुरुआती दिनों में रतन को अपना सरनेम एक बोझ लगता था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ज़रूर वो बेफिक्र रहते थे क्योंकि उनके सहपाठियों को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं होता था।
रतन टाटा ने कोमी कपूर को दिए इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था कि उन दोनों विदेश में पढ़ने के लिए रिजर्व बैंक बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की अनुमति देता था और मेरे पिता कानून तोड़ने के हक में नहीं थे, इसलिए वो मेरे लिए ब्लैक में डॉलर नहीं खरीदते थे। इसलिए अक्सर ये होता था कि महीना ख़त्म होने से पहले मेरे सारे पैसे ख़त्म हो जाया करते थे और कभी कभी मुझे अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाती थी। कई बार तो कुछ आंतरिक पैसे कमाने के लिए मैंने बर्तन तक धोए हैं। और रतन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया और जब रतन 18 वर्ष के हुए थे तो उनके पिता ने एक स्विस महिला सिमोन दोनियार से शादी कर ली। उधर उनकी माता ने तलाक के बाद सर जेम्स तती जीजी भाई से विवाह कर लिया और रतन को उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने पाला। रतन अमेरिका में 7 साल रहे और वहाँ पर कर्नल विश्वविद्यालय के उन्होंने स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लॉस एंजलिस में उनके पास एक अच्छी नौकरी और शानदार घर था, लेकिन उन्होंने अपनी दादी और जीआरडी के कहने पर भारत लौटना पड़ा। इसी वजह से उनकी अमेरिकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और रतन टाटा ता उम्र अविवाहित भी रहे। साधारण मजदूरों की तरह नीला ओवरऑल पहनकर करियर की शुरुआत की और साल 1962 रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। उधर गिरीश कोवर ये भी लिखते हैं कि रतन जमशेदपुर के अंदर 6 साल तक रहे, जहां शुरू में उन्होंने एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप की है और इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद वो प्रबंध निदेशक एस के नानावटी के विशेष सहायक हो गए और उनकी कड़ी मेहनत की ये ख्याति बम्बई तक पहुंची और जीआरडी टाटा ने उन्हें बम्बई बुला लिया, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 साल तक काम किया और जीआरडी ने उन्हें बीमार कंपनी सेंट्रल इंडिया मिल गई और नैलकू को सुधारने की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। रतन के नेतृत्व में 3 सालों के अंदर नैलकू नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की काया भी पलट गई और उनके लाभ कमाना शुरू कर दिया। सन 1981 के अंदर जीआरडी ने रतन को टाटा इंडस्ट्री का प्रमुख बना दिया था। हालांकि इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 60 लाख था, लेकिन इस जिम्मेदारी का महत्व इसलिए था क्योंकि इससे पहले टाटा खुद सीधे तौर पर इस कंपनी का कामकाज देखते थे। सादगी भरी जीवन शैली, उस जमाने की बिजनेसमैन पत्रकार और रतन के दोस्त उन्हें एक मिलनसार और बिना नखरे वाले सौभाग्य और दिलचस्प शख्स के तौर पर याद किया करते। कोई भी उनसे मिल सकता था और वो फ़ोन पर खुद ही बात किया करते थे और अपना फ़ोन भी खुद उठाया करते थे। कोमी कपूर ये लिखती हैं कि अधिकांश भारतीय अरबपतियों की तुलना में रतन की जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा नियंत्रित और सादगी भरी थी। उनके एक बिजनेस सलाहकार ने मुझे ये बताया था कि वो हैरान थे कि उनके यहाँ पर सचिवों की भीड़ नहीं थी। एक बार मैंने उनके घर की घंटी बजाई तो एक छोटे लड़के ने दरवाज़ा खोला, वहाँ पर कोई भी वर्दी पहने नौकर और कामकाज करने वाले लोग नज़र नहीं आए। कुलवा हिल्स पर मुकेश अंबानी की 27 मंजिला एंटीला की चकाचौंध से ठीक विपरीत कुलावा के अंदर समुद्र की तरफ देखता हूँ तो उनका घर उनके अभिजातपन और रुचि को दर्शाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जीआरडी ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी भी चुना और जब वो 75 साल के हुए तो इस बात की बहुत अटकलें लगाई जाने लगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो वहीं पर जीआरडी का उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर भी खबर है। यहाँ पर जीआरडी 75 साल की हुए तो इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। टाटा की जीवनीकार केएम लाल लिखते हैं कि जीआरडी नाना पालखेवाल, रूसी मोदी और शाहरुख सावरवाल और एचएन सेठानी में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे थे। खुद रतन टाटा का ये मानना था कि इस पद के 2 प्रमुख दावेदार पालखीवाला और रूसी मोदी होंगे। सन 1991 में जीआरडी ने 86 वर्ष की आयु में अध्यक्ष पद छोड़ दिया और इसी बिंदु में उन्होंने रतन का रुख किया। जीआरडी का ये मानना था कि रतन के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि उनका टाटा सरनेम होना। टाटा के दोस्त नुसली वाडिया ने, उनके सहायक शाहरुख सावरवाल ने भी रतन के नाम की वकालत की थी और 25 मार्च 1991 को जब रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी कि समूह के 3 छत्रपो दरबारी सेठ और रूसी मोदी के साथ अजीत केरकर को किसी तरह कमजोर किया जाए। ये लोग अब तक टाटा की कंपनियों में प्रधान कार्यालय के हस्तक्षेप के बिना काम करते आए। टेटली कोर्सर और जेगुआर का अधिग्रहण शुरू में रतन टाटा की व्यावसायिक समझ पर लोगों ने कई सवाल भी उठाए।
साल 2000 के अंदर उन्होंने अपने से दो गुना बड़े ब्रिटिश टेडली समूह का अधिग्रहण कर लोगों को चकित कर दिया था। और आज टाटा ग्लोबल बेवरेज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है, जिसके बाद उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी कोरस को भी खरीद लिया। आलोचकों ने इस सौदे पर समझदारी पर सवाल उठाए, लेकिन टाटा समूह ने इस कंपनी को लेकर एक तरफ अपनी क्षमता का परिणाम दिया और 2009 में दिल्ली ऑटो एक्सपो ने उन्होंने पीपल्स कार नैनो का अनावरण भी किया, जो 1,00,000 रुपए की कीमत की उपलब्धि में कार मिला करती थी। नैनो पहले 1998 में टाटा मोटर्स के इंडिका कार बाजार में उतरी थी और जो भारत के अंदर डिजाइन की गई पहली कार थी। शुरू में ये कार असफल रही और रतन ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फैसला किया। जब रतन रिटायर्ड गए तो बिल फोर्ड से उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस व्यवसाय के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना इस क्षेत्र में क्यों प्रवेश किया। उन्होंने टाटा पर ताना मारा कि अगर वो इंडिका को खरीदते हैं तो वो भारत कंपनी पर एक बड़ा उपकार करेंगे, और इस व्यवहार से रतन टाटा की टीम नाराज हो गई और बातचीत पूरे किए बिना वहां से चली गई। एक दशक के बाद हालात बदल गए और 2008 में फोर्ड कंपनी गहरा वित्तीय संकट में छा गई। आपको बताएं कि और उसे ब्रिटिश विलासिता के जैगवार और लैंड रोवर को बचाने का फैसला लेना पड़ा। और कोमी कपूर ये भी लिखती हैं कि तब बिल फोर्ड ने स्वीकार किया कि भारतीय कंपनी फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीदकर उस पर बड़ा उपकार करेगी। रतन टाटा 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों नामचीन ब्रांड्स का अधिग्रहण किया, और जैगवार की खरीदने पर हुई टाटा की आलोचना को लेकर भी कुछ व्यापार विश्लेषकों ने रतन टाटा की इस बड़ी खरीदारियों पर सवाल उठाए थे। उनका ये तर्क था कि रतन कई महंगे विदेशी अधिग्रहण उनके लिए महंगे सौदे साबित हो सकते हैं। टाटा स्टील यूरोप एक सफ़ेद हाथी साबित हुआ और उसने समूह को भारी कर्ज में डुबाया। टीएन नैनन ने ये लिखा है कि रतन के वैश्विक दावा अक्खड़पन और खराब समय का मिश्रण था, और एक वित्तीय विश्लेषक ने यह कहा है कि पिछले दो दशकों में भारतीय व्यापार ने सबसे बड़े अवसर दूरसंचार में भी था, लेकिन रतन ने कम से कम शुरुआत में इसे गवा दिया। मशहूर पत्रकार सुचेता दलाल ने यह कहा कि रतन से गलती पर गलती हुई और उनका समूह जैगवार को खरीद कर वित्तीय बोझ तले दब गया। लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS ने हमेशा टाटा समूह को अग्रिम रखा और इसी कंपनी ने वर्ष 2015 में टाटा समूह के शुद्धता पर लाभ में 60% से अधिक का योगदान दिया। सन 2016 के अंदर अंबानी की रिलायंस से भी आगे किसी भी भारतीय फर्म का सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण इस कंपनी का था, और नीरा राडिया और तनिक्ष के साथ साइरस मिस्त्री भी जुड़े। विवादों में सन 2010 के अंदर रतन टाटा एक बड़े विवाद में फंस गए जब लॉवेंटिस नीरा राडिया के साथ उनकी टेलीफोन बातचीत लीक हो गई। अक्टूबर 2020 में टाटा समूह ने अपने ज्वेलरी ब्रांड तनिक्ष के द्वारा एक विज्ञापन में जल्दबाजी में वापस ले लिया, और जाने से रतन टाटा की काफ़ी किरकिरी हुई। इस विज्ञापन में सभी धर्मों को बराबर मानने वाले एक समन्वित भारत का मामरिक चित्रण किया गया था, और इस विज्ञापन को मुखर दक्षिणपंथी ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ा। आखिर तनिक्ष को दबाव के चलते वो विज्ञापन वापस लेना पड़ा, और कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर GRD जीवित रहते तो वो किसी तरह से दबाव नहीं आने देते। रतन उस समय भी सवालों के घेरे में आ गए जब उन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को 1 घंटे से भी कम समय में नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद टाटा को एक भरोसेमंद ब्रांड बनाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद रतन टाटा की गिनती हमेशा भारत के सबसे भरोसेमंद उद्योगपतियों में से रही है। जब भारत में कोविड महामारी फैली तो रतन टाटा ने तत्काल 500 करोड़ रुपए टाटा न्यास और 1000 करोड़ रुपए टाटा कंपनी के माध्यम से महामारी और लॉकडाउन की आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए दिए थे। खुद को गंभीर जोखिम में डालने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के रहने हेतु लग्जरी होटलों के इस्तेमाल की पेशकश करने वाले वो पहले शख्स रतन टाटा ही बने। आज भी भारतीय ट्रक चालक अपने वाहनों को पिछले हिस्से पर ओके टाटा लिखवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये ट्रक टाटा का। इसलिए भरोसेमंद हमेशा से ही रतन टाटा रहे। टाटा के पास एक विशाल वैश्विक फुटप्रिंट भी है और ये जैगवार और लैंड रोवर कारों का निर्माण भी करता है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दुनिया की नामी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। इन सबको बनाने में रतन टाटा की एक अहम भूमिका हमेशा से याद रखी जाएगी। फिलहाल इसमें इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।